बैठ के उनका फायदा उठा रहे। किसान मेहनत करता दिन रात, सुबह शाम में धूप में पानी में मिर्ची उगाता, और उसको जाके वो मंडी में गए तो पुलिस वाले केस लगाते, देशद्रोही का, देशद्रोही का केस लगाते जी। एक मंत्री बोलता, गुंडा बोलता, कांग्रेस का दलाल बोलते हैं। कौन दलाल है? तुम्हारा दलाल है। दलालों के तरफ से तुम बात कर रहे, हम किसान के तरफ से बात करते हैं। हमारा जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री का वही नारा आने वाले दिनों में भी जिंदगी भर चला रहेगा। बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ते हैं, खाना खिलाने वाला किसान को तुम जब गुंडे बोलते, ये क्या तरीका है? उसमें सबसे ज्यादा लंबाड़ा लोग है, आप बेचारे जेल में, उनका बेटे, उनका हस्बैंड, क्या तरीका है रे भाई? क्या गुंडागिरी कर रहे हैं भाई? आप बराबर का प्राइस नहीं देते, दलाल का काम करते, पूछे तो उनको जेल में डालते। देखो पहली मरसा में देखा 60 लायर्स जो वकील है, 60 लोग हम लड़ने को तैयार है बोल के पिटीशन में रखे, बेल पिटीशन में। तो इससे समझ जाओ वो नहीं है। प्रूफ करो बोलो। हर गांव में गया, बेटियां रो रहे और मां रो रही, उसकी वाइफ रो रही। ये सरकार है, किसानों का सरकार है या किसान का विधेयक का सरकार है? किसानों का इंसल्ट है। किसान कभी भी मेहनत करके आगे बढ़ता है, भीख बनता नहीं, भीख देता, खाना देता। उस आदमी को तू गुंडा बोलता, देशद्रोही बोलता, ये तरीका है तेरा? कब तक है झूठे वादा करके तू दुकान चला? आने वाले दिनों में सब्सिडी दे तुम्हारा 4,000 पढ़ के। अरे तू क्या देता रे? ऐसा वालों को दे। कांग्रेस वाले गए तो दलाली का काम हम कर रहे, तुम ना कर रहे दलाली का काम। प्रूफ करो बोलो। मैं चाहता हूँ कि देश भर में जितने भी पोलिटिकल पार्टी वाले से भी बात कर लो, तुम दिल्ली में जाके राहुल गांधी सोनिया गांधी को भी बताता हूँ, किसानों को गुंडा बोले तो सरकार कभी भी आगे नहीं बढ़ता। किसान का जो आम का पानी है वो सरकार गिर जाता। केसीआर को कुछ काम नहीं है, रोजाना बयानबाजी से दुकान चला रहा, लोग परेशान है। किसान कम वोरंगल में यहाँ कहीं के अपना पार्टी ऑफिस में बैठ के बिल्डिंग बराबर है, ऊपर यह है फैन आ रहा, एयर कंडीशन, यह है रहते देखने का। तू पब्लिक का आदमी है, नहीं तो तू पार्टी का चीफ मिनिस्टर है। तू एक मरता मुख्यमंत्री సామాజిక తెలంగాణ కావాలను కాదు, నువ్వేమన్నావు? ఒక అధికారం